नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। नागरिकता संशोधन कानून को सरकार ने संसद के दोनों सदन से पास कराया। अब तो सरकार ने इस कानून को 10 जनवरी से पूरे देश में लागू भी कर दिया। ऊपर से देश के गृह मंत्री इस वक्त अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब तो सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि वो नागरिकता संशोधन कानून पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार के सख्त रुख का ही असर है कि देश भर में उत्पात मचाने वाले विरोधी भी अब शांत हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां हिंसा पर तो लगाम लगी हुई है लेकिन अराजकता चरम पर नजर आ रही है। आप विरोध करिए, यह आपका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बीच सड़क पर डेरा डाल दें और अपने मतलब के लिए आम नागरिक को परेशान करें। लेकिन दुर्भाग्य से शाहीन बाग में CAA विरोधी यही सब कर रहे हैं, जिसमें पिस रही है आम जनता। शाहीन बाग जहां से उठे थे CAA विरोधी सुर, शाहीन बाग जहां अभी भी जुटे हैं CAA विरोधी गुट, शाहीन बाग जहां विरोध के नाम पर हो रही अराजकता। इस अराजकता में क्यों पिस रही है ये आम जनता? सरकार है खामोश, लेकिन अब जाग गई है जनता। जी हां, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर 15 दिसंबर से ही शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा मार्ग करीब 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय से पूरी तरह बंद है। रास्ता बंद होने की वजह से कालिंदी कुंज से होकर नोएडा से दिल्ली और फरीदाबाद आने जाने वाले लाखों लोगों को परेशानी हो रही, जबकि दिल्ली पुलिस इतना कुछ होने के बावजूद मूक दर्शक बनी हुई। लेकिन अब बीजेपी और आम जनता के सब्र का बांध टूट गया है, इसीलिए रविवार को कई बीजेपी समर्थक खुद ही सड़कों पर उतर गए। इस सड़क को खुलवाने की मांग को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो मुहिम छेड़ दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शाहीन बाग में मुस्लिम भीड़ ने एक हफ्ते से सड़क पर कब्जा कर रखा है, आज दिल्ली वाले इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर, साउथ दिल्ली के प्रमुख रास्ते सब बंद है, ये खुलेआम गुंडागर्दी है। पुलिस बेबस हो सकती है, जनता बेबस नहीं है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि शाहीनबाग के लोग खुद ही घर चले जाएं तो बेहतर है। प्रदर्शन की वजह से शाहीनबाग के लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वे नाराज हो रहे हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो खुद उठकर अपने घर चले जाएं। पत्रकार सुशांत सिंह ने ट्वीट किया, दिल्ली के शाहीनबाग में आज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, वो सड़क पर निकले हैं बड़ी संख्या में। उनका कहना है कि CAA के विरोध के नाम पर रोज सड़क पर जाम लगा रहे हैं वहां कुछ लोग, खुद तो बिरयानी उड़ा रहे हैं, पिकनिक टाइप माहौल है और स्थानीय बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हो रहे हैं। पत्रकार कृष्ण मोहन मिश्रा ने ट्वीट किया, कालिंदी कुंज में हफ्ते से ज्यादा हो गया है रास्ता जाम कर प्रदर्शन चल रहा है, पूरी दिल्ली परेशान है, आखिर लोगों ने खुद जाम हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाँ, BBC और एक चैनल के मैग्सेसे अवार्डी पत्रकार इन्हें हीरो बनाने में दिन रात लगे हैं। बता दें, शाहीन बाग इलाके में CAA के खिलाफ बीच सड़क पर लोग धरने पर बैठे, इससे आसपास रहने वाले लोगों को नोएडा और दिल्ली आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों ने रविवार को सरिता विहार इलाके में रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। CAA में क्या है नया प्रावधान? नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया, यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है।